नमस्कार, आप देख रहे हैं UMH न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशी सरीन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर की। बुलंदशहर जनपद के खुर्जा नगर में साप्ताहिक लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। प्रदेश सरकार के नियमों के तहत प्रदेश में दो दिन साप्ताहिक लॉकडाउन होने के बाद भी लोगों ने नियमों का मजाक बनाया हुआ है। दुकानदार दुकान खोले बैठे हैं और दुकान पर आने वाले ग्राहक और दुकानदार दोनों ही बिना मास्क और सैनिटाइजर के लेन देन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका तेजी से बढ़ती जा रही है। लगता है लोग तीसरी लहर को लेकर सचेत नहीं है। चलिए जानते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के खुर्जा नगर में लोग तीसरी लहर को लेकर सजग नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि हमारे लिए यह 100 दिन अति महत्वपूर्ण है। फिर भी कुछ दुकानदार नियमों को ताक पर रखकर अपनी दुकानें खोलकर लोगों को सामान की बिक्री कर रहे हैं। पुलिस को मौके पर देकर दुकानों के शटर डालकर बाहर बैठ जाते हैं। पुलिस के जाने के बाद फिर शटर खोलकर दुकानों पर बैठ जाते हैं। यह धोखा आप पुलिस को नहीं, अपने आप को और लोगों को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, कम हुआ है। जागरूक बने, नियमों का पालन करें। देखिए खुर्जा के पदम सिंह गेट और दाताराम चौक पर दुकानें खुली पड़ी हैं। खुर्जा नगर में सोशल डिस्टेंसिंग का जहां लोग पालन कर रहे हैं, वहीं कुछ अनावश्यक दुकानदार भी दुकानें खोलकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। दुकानों पर नहीं मास्क लगा रहे हैं और नहीं सैनिटाइजर की व्यवस्था है, जिससे तीसरी लहर आने का न्योता दे रहे हैं। वहीं लोगों को देख सकते हैं आप वीडियो में कि लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया गया है। वहीं अनावश्यक लोग भी सड़कों पर विचरण करते हुए देखे जा रहे हैं। इन लोगों में नहीं कोरोना का खौफ है और ना है पुलिस का खौफ। खुर्जा नगर के जक्सन रोड स्थित राजकीय महिला चिकित्सालय में वैक्सीनेशन को लेकर लोग एक दूसरे को बस सटकर चढ़कर आगे बढ़कर जल्दबाजी में वैक्सीन लगवाने के चक्कर में भूल गए कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीनेशन करवाने आए हैं और उसी वैक्सीनेशन के लिए नियमों को ताक पर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग वैक्सीनेशन के लिए एक दूसरे से सटकर आगे बढ़ने कर जल्दबाजी वैक्सीनेशन के लिए बढ़ रही हैं। सरकारी अस्पताल में वैक्सीनेशन को लेकर सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं।